हमारे इस सेगमेंट में बहुत स्वागत है। आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी एक बहुत ही एमिनेंट फ्लूट प्लेयर से, पंडित रोनो मजूमदार जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए। पंडित जी, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा जन्म तो बनारस में हुआ और मेरे पहले गुरु हैं मेरे पिता डॉक्टर भानु मजूमदार, स्वर्गीय डॉक्टर भानु मजूमदार, और उन्होंने शिक्षा पाई थी बांसुरी के जन्मदाता पंडित पन्नालाल घोष जी से। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। वेरी नाइस। तो आपको अब कितने साल हो गए फ्लूट प्ले करते करते? करीब करीब आप समझिए कि 38 साल से 38 ईयर से मैं बजा रहा हूँ, और प्रोफेशनली बजाते बजाते भी मैं 13 साल की उम्र से बजा रहा हूँ, तो कम से कम 35-32 साल तो हो ही गए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप मुंबई कब आए? मुंबई हम लोग आ गए 74 में जी, पिताजी के साथ, और उसके बाद से हम लोग यहीं रह रहे हैं। तो वी आर लाइक ऑल्सो मुंबईकर एंड बनारस का भी बैकग्राउंड है। वेरी नाइस। आप इस घर में कब से रह रहे हैं, कितने साल हो गए? ये घर मुझे बहुत पसंद है। इस घर में हम लोग 2001 से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ का वातावरण, हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। आपने ये घर किस बेसिस पे चुना? इस घर का एक तो ये मेन रोड पे नहीं है, जो मुझे एकदम पसंद नहीं है, और ट्रैफिक नॉइज से मैं दूर रहना चाहता था, और वास्तु पार्क जो नाम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वास्तु शास्त्र का ज्ञान भी मेरे बड़े भाई साहब को, दुर्गा जी को है, और इसका जो पोजिशनिंग है वो बहुत सुंदर है। पूरब की तरफ इसका जो दरवाज़ा है, पश्चिम की तरफ इसका जो बैक खिड़की है, तो हर हिसाब से ये मुझे मालूम था कि ये घर मुझे लक्की साबित होगा। पंडित जी, ये घर क्या आपने वास्तु के हिसाब से लिया? नहीं, वास्तु पार्क तो इसका था ही, ये वास्तु के हिसाब से फिट बैठ गया, और मैं जो नंबर चाह रहा था वो भी मुझे मिला। 5 चाह रहा था मैं, 203 है मेरे घर का नंबर, C203। सो इफ यू इंक्लूड 2 and 3 अगेन बिकम्स 5। और मेरा जो पिछला मकान था उसका भी नंबर था A5। ओके, रामनगर। सो सब कुछ मुझे अपने न्यूमरोलॉजी भी अगर आप देखें तो 5, 9, 7 ये नंबर्स बड़े लक्की होते हैं, तो वो भी मुझे मिल गया, तो और क्या चाहिए। 5 नंबर मर्क्यूरी का माना जाता है, तो सिंगिंग के लिए या फिर म्यूजिक के लिए या कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है जी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस घर में। और दूसरी बात है कि हेल्थ क्लब मुझे चाहिए था, और हेल्थ क्लब बहुत सुंदर है, स्विमिंग पूल और ब्रीदिंग स्पेस। आप देखेंगे नीचे पार्किंग के लिए इतना सारा जगह है कि अगर रात को सारी गाड़ियाँ भी पार्क हो जाए उसके बाद भी लगता है कि आप खुली हवा में वॉक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा जो हमारा बाउंड्री है वो काफ़ी बड़ा है, और बहुत शांति लगता है, ऐसा लगता है कि बम्बई से बाहर कहीं हम लोग रह रहे हैं। तो ये आप आगे भी यहीं रहना चाहेंगे? आगे भी इच्छा तो यही है, इसीलिए मैंने इसका जो दूसरा है वास्तु टावर, वो भी वास्तु है, उसमें भी मैंने मकान लिया है, और वहाँ पे भी मैं या तो मैं वहाँ रहने चला जाऊँगा या फिर वहाँ गुरुकुल शुरू करके वहाँ सिखाऊंगा। अभी तो मैं यहीं सिखा रहा हूँ जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। वेरी नाइस। आप मुझे बताइए, घर में आपकी फेवरेट स्पेस, फेवरेट जगह कौन सी है? मेरी फेवरेट और मनपसंद जगह तो वही है जहाँ पे मैं बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ, या वो दीवान जहाँ पे आप बैठी हैं, वहाँ पिताजी की तस्वीर लगी है, उसके नीचे बैठ के मैं सुरों की साधना करता हूँ, और ये मेरी फेवरेट जगह है, उसीलिए मैंने ये दीवान बनाया। मेरी इच्छा थी कि जब भी मैं अच्छे घर में जाऊं तो एक दीवान जरूर होना चाहिए जिसपे मैं बैठ सकूं, इंडियन सिटिंग में। वेरी नाइस, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स जस्ट कंफर्टेबल। सो पंडित जी, आपने अपने क्लब हाउस की और स्विमिंग पूल की इतनी तारीफ करी है, तो आइए एक बार बाहर नजर डाल लेते हैं। ये बताइए कि आपको क्लब हाउस और स्विमिंग पूल का नजारा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा पंडित जी। आप यूज करते हैं क्लब हाउस? हाँ, जब भी मैं बम्बई में रहता हूँ तो रेगुलर तौर पे मैं यूज करता हूँ। एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप हमारे दर्शकों को कुछ बजा के सुनाइए प्लीज। मैं आपको, बारिश का मौसम है जी, और आज भी बारिश हो रही थी, मैं आपको मल्हार बजा के सुना रहा हूँ। वेरी नाइस। मेघ मल्हार जी। Oh
वाओ, दैट वाज सो ब्यूटीफुल पंडित जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों को इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.